हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से हैं। जैसा आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि शेर और बकरी में एक अंतर पूछा जा रहा है जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो नो डाउट ये बच्चों का नहीं, ये बड़ों से सवाल किया जा रहा है और वो भी प्रोफेशनल टीचर से। तो चलिए इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कितने मिनट कितने सेकंड वाला जो आंसर था वो सबसे आपको अच्छा लगा है, क्योंकि उस टीचर को मुझे कुछ गिफ्ट देना है और वो गिफ्ट क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एक नया वीडियो बनाकर। तो चलिए कंटिन्यू है। एक कौन सा अंतर है जो शेर और बकरी के बीच में है लेकिन बच्चा नहीं जानता? एक अंतर बताइए जो शेर और बकरी के बीच में है और बच्चा नहीं जानता। ये लोग प्रोफेशनल टीचर है, आप देखते हैं आंसर क्या मिलता। शेर और बकरी में एक अंतर जो बच्चा नहीं जानता। सर आप बताएं, बच्चों को पढ़ाते हैं? वो मैं करता हूं। प्लीज सर डोंट डिस्टर्ब मी सर। वो मैं करता हूं, वो मैं नहीं करता। ये तो बच्चा भी जानता है। तो बच्चे जैसे ना आंसर देंगे लोग, बच्चे को नहीं, तो बोले जो बच्चा नहीं जानता ऐसा आंसर बताइए। ठीक है, शेर और बकरी में हां अंतर है जो बच्चा नहीं जानता। हां ठीक है, आप पढ़ाते हैं बच्चे के साथ, बड़ों को आप पढ़ाते हैं। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि शेर और बकरी में एक अंतर बताइए जो बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चे को तो सब पता है, शेर का केसर होता है और बकरी का केसर नहीं होता। वो केसर मतलब वो जो गर्दन पे लंबा लंबा हेयर, तो ये तो बच्चे को भी मालूम है। तो बच्चे को सब मालूम है। हाँ, तो मेरा सवाल है जो बच्चा नहीं जानता है। बच्चे को सब पता है, शायद आपको नहीं पता। मैडम आपसे एक सवाल है, एक कौन सा वो शेर और बकरी में कौन सा अंतर है जो बच्चा नहीं जानता? शेर बकरी में एक अंतर बताइए जो बच्चा नहीं जानता है। बच्चा वो शेर और बकरी का अंतर नहीं पता लगा। हाँ, तो वो आपको बताना है जो आंसर, समझ रहे हैं आप? अंतर बताइए जो बच्चा नहीं जानता, बड़ा लोग जानता है वो अंतर शेर और बकरी के बीच का अंतर। क्या अंतर बताइए आप? शेर जंगल का राजा है, बकरी घर का राजा है। अच्छा, शेर जंगल का राजा है और बकरी घर का। ये तो बच्चा भी जानता है कि शेर जंगल का राजा है। फिर क्या क्या अंतर चाहिए? हाँ, तो ऐसा अंतर बताइए जो बच्चा नहीं जानता है। शेर और बकरी में अंतर जो बच्चा नहीं जानता है। बकरी पत्ता खाती है, घर में रहती है, और शेर का जंगल में रहता है, जंगल में क्या खाता है? जानवरों का मांस खाता है। तो ये तो बच्चा भी जानता है कि शेर मांस खाता है और बकरी पत्ता खाता है। ठीक, और एक छोटा सा सवाल है कि एक अंतर बताइए शेर और बकरी में जो बच्चा नहीं जानता है। शेर और बकरी में अंतर? हाँ, जो बच्चा नहीं जानता है। जो बच्चा नहीं जानता, बकरी के विषय में बच्चे जानते हैं, पालतू होता है, घर में पाले जाते हैं। शेर के विषय में इसलिए नहीं जानते, शेर और शायरी के बारे में बच्चे बचपन से नहीं जानते, वो बड़े होने पर सीखते हैं शेर और शायरी करना। नहीं मिस, वो हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा सवाल है कि शेर और बकरी में अंतर जो बच्चा नहीं जानता। तो वही तो बोले, शेर यानी शायरी, शायरी करना बच्चों को नहीं आता। वो जंगल वाला शेर का बात कर रहे हैं, जंगल वाला शेर का। ये शेर की बात कर रही हूँ क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन एक होता है और उसका शब्द भी एक ही होता है, तालाब में सर शेर और जंगल वाला रहने वाला शेर। हाँ, तो फिर भी आप बताइए। तो हेलो, आपसे एक सवाल है, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सर आपसे एक सवाल है, छोटा सा सवाल यही है कि शेर और बकरी में क्या अंतर है जो बच्चा नहीं जानता है? शेर और बकरी में एक अंतर बताइए जो बच्चा नहीं जानता है। बच्चा नहीं जानता? हाँ, शेर शादी से पहले होता है, बकरी शादी के बाद होता है। ये तो बच्चा भी जानता। बैंग, बच्चा बड़ा होता है, शादी करता है, तब जानता है ना। सर ये बच्चा वाला सवाल ही है, इसको बड़ों तक मत लेके जाइए। ओके, हाँ अब बताइए इसका आंसर। शेर इज अ वाइल्ड एनिमल एंड बकरी डोमेस्टिक एनिमल है।
तो सर ये तो बच्चा भी जानता है कि शेर वाइल्ड है और बकरी डोमेस्टिक है, तो आपको अंतर बताना सर जो बच्चा नहीं जानता है। बच्चा नहीं जानता है। जी ओके। शेर रोर करता है ये। अच्छा, और बकरी मिमी आता है जिसको मैं, ये तो बच्चा भी जानता है। अरे तो सब बच्चा जानता है, तो क्या है यार, जापस्कल का बच्चा सभी जानता है। फिर भी सर कुछ तो है जो बच्चा नहीं जानता है। शेर और बकरी में डिफरेंस जी, जो बच्चा नहीं जानता है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए सर, इसका आंसर आप मिलते हैं। तो एक छोटा सा सवाल है कि शेर और बकरी में क्या अंतर है जो बच्चा नहीं जानता है। शेर और बकरी में, हाँ देखिए ये बहुत कॉमन है, मैं एग्जांपल देता हूँ और आंसर कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का। जैसे हम लोगों ने कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स पढ़ा है, तो दो कैटेगरीज होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक एनिमल, एक होता है वाइल्ड एनिमल। सो हम लोग अगर कैटेगराइज करते हैं तो शेर को हम लोग कह सकते हैं कि ये वाइल्ड एनिमल है, क्योंकि इसे घर में हम लोग नहीं रख पाते हैं। और बकरी दैट मीन्स गॉट, जिसे गॉट कहते हैं, वो एक डोमेस्टिक एनिमल है। ओके, इसको हम लोग पेट एनिमल भी कह सकते हैं। सो एक सिंपल एग्जांपल छोटे बच्चों लोग के लिए, ओके हम लोग कह सकते हैं कि द एनिमल विच वी केप्ट एट आवर होम बाय डोमेस्टिकेट इट्स कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। सो एग्जाम्पल इज गॉट एंड द एनिमल विच आर स्टे इन जंगल और फॉरेस्ट इट इज कॉल्ड वाइल्ड एनिमल एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज टाइगर। ओके, तो सर लेकिन ये तो बच्चा भी जानता है कि वो वाइल्ड एनिमल है और ये डोमेस्टिक एनिमल है। सर मेरा सवाल है कि वो कौन सा अंतर है जो बच्चा नहीं जानता है। आप किस उम्र के बच्चे की बात कर रहे हैं? 10 एज 10 तक, 10 साल के बच्चे तक कि वो बच्चे नहीं जानते हैं शेर और बकरी का अंतर। बकरी दूध दे सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है जो शेर नहीं कर सकता। तो ये तो बच्चा भी जानता है। नहीं, ये बच्चा नहीं जानता। अगर 10 साल के बच्चे को पूछोगे तो शायद वो नहीं जानता। बच्चा भी जानता है कि वो नहीं। हाँ सर, एक्चुअली आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब क्या जानना चाहते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि एक शेर और बकरी में हम लोग यही एक डिफरेंस बता सकते हैं कि ये दोनों एक एनिमल है, बट हम आपको जस्ट मैंने आपको बताया कि कैटेगराइज एक वाइल्ड एक डोमेस्टिक, ये कैटेगराइज हो गया। लेकिन इसमें और आप क्या, मतलब आपका मोटिव क्या है वो आप क्लियर कीजिए। सर यही कि एक कॉमन सा अंतर होगा जो बच्चा नहीं जानता, बस इतना एक ही तो अंतर आपको बताना जो बच्चा नहीं जानता। अच्छा, कि शेर और बकरी में ये भी अंतर है और बच्चा को मालूम ही नहीं है। आप समझ रहे हैं सर, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। अच्छा ओके ओके, मैं सोच के बताता हूँ बिकॉज अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद सर। आप तो आपसे मिलेंगे फिर। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि शेर और बकरी में क्या अंतर है जो बच्चा नहीं जानता है। अच्छा, शेर शेर है, बकरी बकरी है। ये तो बच्चा भी जानता है। हाँ, बच्चा भी जानता है। हाँ, तो शेर को बच्चा नहीं जानता है ना। हाँ, तो शेर की जो नाखून होता है और बकरी की नाखून, तो उसका डिफरेंस बच्चे को पता नहीं। सर ये तो बच्चा भी जानता है कि कैसे पता है नाखून होता, कैसे पता कितना नहीं, मतलब कैसे किन साइज का होता है, साइज छोटा बड़ा। हाँ, ये बच्चा को नहीं पता। सर पता है सर, बट सर कुछ और अंतर आप बताना चाहेंगे जो बच्चा को नहीं पता। अच्छा, हाँ तो हाँ, उसका वजन वजन पता नहीं होता है, कितना किलो का होता है शेर और बकरी, कितना किलो का होता है। आइडिया तो होता है सर, बड़ा है छोटा है, हैवी है दूध। हाँ, बड़ा छोटा आइडिया होता है, लेकिन कितना वजन का होता है वो आइडिया। गुड आंसर सर, आपका आंसर बहुत अच्छा है सर, बट इसका आंसर फिर भी हम क्लास कर रहे हैं। हाँ, तो सर कुछ गिफ्ट मिलेगा या नहीं आंसर सर? बिल्कुल, अगर सेटिस्फेक्शन वाला सवाल होगा ठीक है, और जो हमारे व्यूअर्स अगर आपके आंसर से इस वीडियो पे जो व्यूअर्स जो कमेंट करेंगे, अगर वो आपके आंसर का बेस्ट कहेंगे तो आपके लिए कुछ स्पेशल ज़रूर होगा सर। देखिए मैं पहले भी इसका आंसर दे चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आंसर वही दे रहा हूँ कि शेर और बकरी का एक ऐसा अंतर है जो बच्चों को नहीं पता है, वो ये है कि शादी से पहले शेर शेर होता है, शादी के बाद वो बकरी बन जाता है। और आप लोगों से पूछ कर देख लीजिए, मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन कीजिए सर। हाँ सर, क्वेश्चन यही है कि शेर और बकरी में अंतर बताइए जो बच्चा नहीं जानता है। सर देखिए, शेर तो वो होता है, वो नॉन वेज होता है जी, है ना, वो मांसाहारी जानवर होता है। बकरी जो है वो
वो शाकाहारी होता है जी, ठीक है जी। अगर आप कैजुअल मीनिंग पे जाते हैं, फनी मीनिंग पे जाते हैं, तो शेर का मतलब जो शेर होता है, एनिमल का ही बात हो रहा है यहाँ पे, एनिमल। आप अगर एनिमल में उसका डेफिनेशन में डिपेंड करते हैं तो शेर मीन्स ही इज द कार्निवोरस एनिमल एंड गोट बकरी इज द हर्बीवोरस एनिमल, दैट्स ऑल। तो सर ये तो बच्चा भी जानता है, मैंने बोला है जो जो बच्चा नहीं जानता है, शेर मांसाहारी होता है, कार्निवोर होता है, और बकरी हर्बीवोर होता है, घास खाता है, ये तो बच्चा भी जानता है। तो सर आपको आंसर देना है जो बच्चा नहीं जानता है। बच्चा ये नहीं जानता है कि शेर भूखा रहता है तो वो दहड़ता नहीं है, वो ढूंढ के शिकार दौड़ा के शिकार करता है, बकरी भूखे रहने से वो चिल्लाते रहती है, आपका कान फट जाएगा, ये बच्चा नहीं जानता। सर आप लोग से एक छोटा सा सवाल है कि एक अंतर आप लोग बताइए जो शेर और बकरी के बीच में है लेकिन वो बच्चा नहीं जानता। ये तो बच्चा भी जानता है। देखिए शेर कितना भी बुरा हो शिकार करना नहीं भूलता है, क्योंकि ये जो शेर फेंकने के जो शेर का जो है उसका जो जुझारूपन अभी तमें सब में वो तो सर बच्चा भी जानता है। तो ऐसा तो बताइए जो हाँ, तो सर ये तो बच्चा भी जानता है। मेरा सवाल है जो शेर और बकरी में अंतर जो बच्चा नहीं जानता है। ये तो बच्चा भी जानता है सर, सर ये तो बच्चा भी जानता है। बोला एक तो क्या होगा निकला होगा ऐसा कोई आंसर जिसका ए दर बकरी और शेर के बीच क्या डिफरेंस है, तो बोलो जो नहीं जानते बच्चे लोग। बच्चा समझ जाते हैं, बकरी को बोलो बकरी आपको इसका आंसर फाइनली विजुअल नहीं देख रहे हैं। दिखने में अच्छा नहीं है शेर, दिखने में अच्छा है सर, ये तो बच्चा भी जानता है। शेर तो दिखने में अच्छा रखकर राज होना चाहिए, बहुत अच्छा दिखने में है। जैसे हम किसी आवाज में सकता है, बाकी किसी आवाज में भागता है, लेकिन शेर भागेगा नहीं, खड़ा खड़ा है। ये तो बच्चा भी जानता सर कि शेर बहुत निडर होता है, राजा होता है। किसी जाने का बच्चा तो अंदर में रहता है, बच्चा नहीं जाने का। ओके सर एक बार देखो, देखो हम लोग मिस आपसे सवाल है कि शेर और बकरी में एक अंतर बताइए जो बच्चा नहीं जानता है। क्वेश्चन है आपका कि शेर और बकरी में क्या अंतर है बच्चे नहीं जानते हैं, तो मेरा बस यही आंसर है, शेर जो खुल के बोले, आई मीन मेरे तरह के लोग, बकरी यानी कि सिर्फ मिमियाना ही सीख जानता है, तो मेरा मतलब है तुम सोचने की, ये क्वेश्चन कोई सोचने के लिए नहीं है, मैं इसके लिए समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरा थिंकिंग कुछ अलग है। शेर सभी बच्चे जानते हैं कि शेर जो होता है मेल, और बकरी यानी फीमेल यानी कि पुरुष एंड स्त्री। मेरा थिंकिंग कुछ अलग है, शेर स्त्री भी हो सकती है यानी कि फीमेल भी हो सकती है। शेर मतलब जो खुल के बोले और अपने बात को सबके सामने रखे, डरे नहीं। शेर शेर तो समझते हैं ना सराप, कि वो शिकार किसी से वो डरता नहीं है, वो किसी को भी शिकार कर सकता है। तो उसी तरह से मेरा भी मानना है कि अगर एक लड़की भी है तो वो भी खुल के बोल सकती है, और बकरी यानी कि किसी न किसी के दबाव में वो दबी हुई रहती है। तो बकरी जरूरी नहीं है कि वो फीमेल हो, मेल भी बकरी हो सकते हैं, पता है ना सर। तो यही मेरा आंसर है, हो सकता है बहुत जन को ख़राब लगे, लेकिन मेरा मानना यही है कि फीमेल है शेर, मेल है बकरी। मिस आपका जवाब का कोई टक्कर नहीं है, लेकिन ये तो सभी को जानते हैं कि शेर निडर होकर शिकार करता है, लेकिन आपको अंतर बताना है जो बच्चा नहीं जानता। देखिए सर, मैं बच्चे के लिए आंसर दी हूँ, बच्चे को मालूम है कि शेर मतलब हम लोग उसको मेल मिलेंगे,
और बकरी को फीमेल मिलेंगे। मैं बच्चे का ही ध्यान को उसको अपने तरफ केंद्रित कर रही हूँ कि बच्चे भी आज समझ जाए, लड़की हो तो वो समझ जाए कि वो भी शेर बन सकती है, और लड़का को ये भी लगना चाहिए कि वो भी कभी ना कभी बकरी बन सकता है अगर वो किसी के दबाव में है तो, यानी कि वहाँ वो दबा हुआ है। और लड़की दबाव में नहीं है, एंसर खुल के दे रही है, घर हो या बाहर उसको अपने लिए लड़ना ही है, यानी कि उसको एक शेर बनना है। ओके, और हम जैसे अगर शेर हों तो लड़के हम सब के, हम मेरे सामने तो कम से कम बकरी ही हैं। बहुत अच्छा आंसर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ आपको और मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है? मैंने कहा था कि शादी से पहले शेर शेर होता है और शादी के बाद वो बकरी बन जाता है। तो इसका तो मतलब सर मेरा आंसर वहाँ सही हो गया ना कि मेल फीमेल जो है वो शेर बनती है और मेल जो है वो होता है वो बकरी बन जाता है। मेरा आंसर देखिए एकदम बिल्कुल करेक्ट है। और आपने क्वेश्चन किया था कि बच्चों को नहीं पता, तो इसीलिए मैंने ये आंसर दिया क्योंकि शादी के बाद जो शेर जो है वो बकरी कैसे बनता है, ये शादी के बाद पहले वो शेर कैसे रहता है, तो ये तो बच्चों को पता होना नहीं होगा क्योंकि शादी बच्चे शादी नहीं करते, बड़े होकर शादी करते हैं, इसीलिए मैंने ये आंसर दिया। ओके थैंक यू। धन्यवाद सर। सब ठीक ठाक है? तो सर एक सवाल है जो मैंने अपने सभी टीचर मित्रों से पूछा है, बहुत सिंपल सा सवाल है और वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। हाँ कीजिए। ओके, तो सर सवाल यही है कि एक आपको अंतर बताना है जो शेर और बकरी में है लेकिन बच्चे नहीं जानते उसको। शेर और बकरी? हाँ, शेर और बकरी में अंतर जो बच्चे नहीं जानते हैं। मतलब आप टाइगर और गोट के बारे में पूछ रहे हैं? यस यस, लायन और गोट के बारे में पूछ रहे हैं। लायन? अच्छा। तो दोस्तों आपको बता दे कि लाइन पे है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो चलिए बताइए आपका आंसर। सर अंतर क्या बताए कि शेर शिकार कर सकता है और गोट नहीं कर सकता? तो सर ये तो बच्चा भी जानता है, आपको ऐसा आंसर बताना है जो बच्चा नहीं जानता है। बच्चा नहीं जानता है? जी। ठीक है अभी बता दिए। चलिए सर मेरे से आंसर जानने के लिए आपको मेरा YouTube वीडियो को देखना होगा पूरा, और इसलिए तो आपसे चाहते हैं ये आंसर। हम तो देखते हैं आपका वीडियो। धन्यवाद सर, कैसा लगता? हाँ बहुत ही अच्छा। चलिए सर छा गए पूरा। धन्यवाद सर, बस आप ही लोग का आशीर्वाद है। तो सर आंसर बता दीजिए, कुछ भी आइडिया लगाइए कि कौन एक छोटा सा अंतर जो शेर और बकरी में है और बच्चे नहीं जानते हैं उसे। बच्चे नहीं जानते? जी बच्चे नहीं जानते। शेर का पंजा है और बकरी का पंजा नहीं है। सर ये तो बच्चा भी जानता है। हाँ सब कुछ बच्चा जानता है, तो हम लोग क्या जानते हैं। आजकल देखिए सर, आजकल बच्चा पूरा होशियार हो गया, ठीक है जी, हर एक बच्चा को सब कुछ, ठीक है जी। तो ऐसा आप नहीं अंदर ढूंढ पाइएगा कि वो बच्चा नहीं जानेगा। बिल्कुल सही, आपका कहना बहुत हद तक सही है सर, लेकिन फिर भी ऐसे ही एक सवाल के साथ निकले हैं, शायद इसका जवाब मिल जाए इसी उम्मीद से। हाँ तब तो पूरा शेर के बारे में पूरा स्टडी करना होगा और ये बकरी के बारे में पूरा स्टडी करना होगा। जी सर जी जी। ये सवाल आप मन में आया कैसे? सवाल अच्छा है सर। चलिए ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब शायद इंटरनेट में भी ढूंढे, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको यूट्यूब से ही मिलेगा। ठीक है तो हम देखते रहेंगे आपका यूट्यूब चैनल पर, देखते रहेंगे, ठीक है।
आपका सवाल था कि एक शेर और एक बकरी में क्या अंतर होता है जो बच्चों को नहीं पता। तो मेरा आंसर है कि एक शेर और एक बकरी दोनों ही आपका एनिमल्स है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि दोनों में रियल डिफरेंस क्या है। जब बोला जाता है कि मेरा बेटा शेर है तो बेटा को समझ में आता है कि हाँ मेरा पापा अच्छा बोर है, लेकिन जब बेटा को अगर आप बोलोगे कि मेरा बेटा बकरी है तो वो गुस्से से आपको कुछ ना कुछ बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को एक्चुअल में पता नहीं है कि शेर और बकरी दोनों ही एनिमल है। मेरा जो सवाल है इसको आप सुन लीजिए कि सर एक अंतर आपको बताना है जो शेर और बकरी में है और बच्चे नहीं जानते हैं उसे। आप टीचर भी हैं और बच्चे के पापा भी हैं, तो बताइए कि शेर और बकरी में क्या अंतर है जो बच्चे नहीं जानते हैं। शेर और बकरी में क्या अंतर है? हाँ, शेर और बकरी में क्या अंतर है जो बच्चे नहीं जानते हैं? शेर और बकरी में क्या अंतर है जो बच्चे नहीं जानते हैं? हाँ हाँ, बकरी गोट, सी गोट। हाँ हाँ जी, बकरी में जो अंतर है वो बकरी नहीं जानती है। नहीं, बच्चे नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे नहीं जानते जी। क्या होगा, लायन और गोट में क्या उन लोगों का वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो ना? ये तो बच्चा भी जानता है सर कि लायन नॉन वेजिटेरियन है। सर 10-12 साल का बच्चा। अच्छा, मयंक, शेर और बकरी में क्या डिफरेंस है जो बच्चे नहीं जानते? तो सर वो तो बच्चा है, वो तो जानेगा नहीं। नहीं बता पा रहे जी, सर कोशिश कीजिए सर, हम लोग तो इसी का आंसर ढूंढ रहे हैं। हाँ सर, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में जी। गोट के हॉर्न्स होते हैं, शेर के नहीं होते हैं, ये क्या? ये तो बच्चा भी जानता है सर कि बकरी का सिंग होता है और शेर का सिंग नहीं होता है। तो हेलो सर, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है जी। सर तो सभी टीचर से मेरा एक सवाल है और सभी टीचर से सवाल किए हैं और वही सवाल आपसे भी है कि शेर और बकरी में एक अंतर बताइए जो एक बच्चा नहीं जानता है। सिंपल सा, शेर और बकरी में एक अंतर बताइए जो बच्चा नहीं जानता है। शेर और बकरी में अंतर बताइए जो बच्चा नहीं जानता है। शेर और बकरी, शेर लायन, लायन एंड गोट, सी गोट। जो बच्चा नहीं जानता है। जी जी जी। मेरा बच्चा तो सर लायन भी नहीं जानता है, गोट ही देखा है। जी सर, आप सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं, ऐसे 3 महीने से कुछ नहीं सोचा हूँ, चुपचाप बैठा हुआ हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ।
शेर तो बच्चा जानता है, शेर नॉन वेजिटेरियन होता है, गोट वेजिटेरियन होता है, जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, आप वेजिटेरियन है, हम दोनों में बेसिक डिफरेंस दोनों के चार चार हाथ पैर होते हैं, दोनों के खेल होते हैं। सर बकरी में सिंह होता है सर, सिंह शेर में नहीं होता है सर, ये तो बच्चा भी जानता है, ये भी बच्चा जानता है सही में। हाँ सर ये डोमेस्टिक एनिमल है, वो वाइल्ड एनिमल है लायन ये भी बच्चा जानता है, बच्चा तो सब कुछ जान जाएगा सर, आजकल का डेट का बच्चा है, शेर में क्लॉज होता है, शेर के नाखून बाहर निकलते हैं, ये हो सकता है सर, शेर के क्लॉज से नाखून बाहर निकलते हैं, बकरी के नहीं निकलते हैं, वो फिक्स रहते हैं सर यस सर, ये थोड़ा थोड़ा ये भी बहुत अच्छा आंसर है आपका, तो चलिए अच्छा मेरे दिमाग में अभी वही आ रहा है जी ये फिक्स होता है बोर्ड का जी, लाइन का फिक्स नहीं होता है, वो अपने इसके हिसाब से उसको मूव कर सकता है, अंदर बाहर कर सकता है, जैसे बिल्ली कर सकता है, टाइगर कर सकता है जी। तो ये सर लेकिन ये इतना तो बच्चा को मालूम है कि उसका पंजा होता है शेर का और बकरी का वो पंजा नाखून नहीं होता, बट सर नाखून मूवेबल होते हैं, बकरी का नाखून मूवेबल नहीं होता जी, आप ये भी कह सकते हैं कि बकरी जूता पहनता है, नहीं नहीं बकरी शेर के ऊपर सिम्बा है जी, बकरी के ऊपर सिम्बा नहीं बनता, ये बच्चा जरूर जानता है, मैं जानू या ना जानू, हाँ ये तो बच्चा भी जानता, जो बच्चा नहीं जानता ये बताना सर, फिजिकल डिफरेंस बताइए सर जो देख के मालूम चल जाए, देखते के साथ मालूम चल जाए, मेन वो तो बच्चा भी जानता सर कि लायन के गर्दन में लंबे लंबे बाल होते हैं जी, ये भी बच्चा जानता है जी, आप बच्चे को बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट में भेज दीजिए, आपका बच्चा सब जानता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको वही जानता है और क्या और क्या, हाँ शेर के बदन में से एक ये आता है, बदबू आता है, और क्या हो सकता है, अब तो क्विज करना पड़ेगा सर, पास करना पड़ेगा, पास कीजिएगा सर, हाँ और कुछ ऑप्शन नहीं, पीछे आपका बच्चा है उसको पूछिए, वो भी बोलेगी कि ये सब पता है, तो बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट में जाना पड़ेगा जी सर, तो कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा जी सर, तो इसीलिए तो सर बच्चे को सब पता है और इसीलिए तो सर टीचर से पूछ रहे हैं कि शायद कुछ तो ऐसा होगा अंतर जो बच्चे को नहीं पता है और टीचर को पता है, बच्चे को नहीं पता जी, बच्चा तो खुशी से उछल रहा होगा, टीचर को भी नहीं पता है क्या, मुझे क्या नहीं पता, डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर, पास कर जाऊंगा, अच्छा बच्चे को अगर इतना डिफरेंसेस पता है तो बच्चे को सब पता है जी सर, आंसर बता सकते हैं जी सर, आंसर आंसर बता सकते हैं, ओ ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू, मैं दुआ करूंगा आपका चैनल ग्रो करे जल्दी से, ओ थैंक यू सर जी, और आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिलते रहे, ओ धन्यवाद सर, थैंक यू सर, जल्दी से ही आपका सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा जी, थैंक यू सर, आपका दिन बहुत अच्छा रहे, थैंक यू सर, आपका भी सर जी, बाय बाय, थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, तो आप लोग का इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो गया है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ और इसका सिंपल सा आंसर है कि आप शेर और बकरी को देखे होंगे उसका पिक्चर को, तो देखने में हम लोग को समझ में आता है कि बकरियाँ दाढ़ी रखती हैं और शेर मूंछ रखते हैं, तो बस यही तो छोटा सा एपीरियंस है जो उनका अंतर है और जो बच्चे को नहीं पता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को इतने सारे टीचर्स का अलग अलग ओपिनियन अलग अलग आंसर सुन के बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्जॉय किए होंगे और शायद ऐसा
आप लोग भी जानते हैं, सभी टीचर्स भी जानते हैं, सभी को ये बहुत इजी है, बट यू नो जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड पे नहीं अगर आया तो हम लोग कुछ भी आंसर दे देते हैं। तो चलिए, मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो पे। धन्यवाद।